नवगछिया की धरती पर शिक्षा के क्षेत्र में एक नई क्रांति के साथ टाटा पब्लिक स्कूल, एक ऐसा विद्यालय जहां फ्री हो रहा नामांकन और ना ही है हर साल रिन्यूअल का झंझट। देश के अलग अलग राज्यों के प्रशिक्षित शिक्षक शिक्षिकाएं आपके बच्चे के भविष्य का करेंगे निर्माण। कक्षा नर्सरी से आठवीं तक, बस की सुविधा, हॉस्टल की सुविधा, बॉटिक्स फैसिलिटी, लैब फैसिलिटी के अलावा सभी अत्याधुनिक व्यवस्थाओं के साथ अपने बच्चे के उज्जवल भविष्य हेतु आज ही संपर्क करें। टाटा पब्लिक स्कूल, 0 Mile NH 31, नवगछिया। मोबाइल 9031979707, 9031979708। नए सत्र में निशुल्क नामांकन प्रारंभ है। अब नहीं बैठेंगे मरीज के परिजन। मायागंज अस्पताल में खुले आसमान के नीचे नाइट शेल्टर बनकर हुआ तैयार। भागलपुर जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज अस्पताल के सामने नाइट शेल्टर होम बनकर तैयार हो गया है। स्मार्ट सिटी के फंड से 5,68,00,000 की लागत से बने इस शेल्टर होम में GL NMCH में भर्ती होने वाले मरीजों के परिजन ठहर सकेंगे। इसके खुलने से आसपास के जिलों से अपनों का इलाज कराने आने वाले परिजनों को बड़ी राहत मिलने वाली है। इसमें 103 बेड लगाए गए हैं, 30 प्राइवेट कमरा, कैंटीन, पार्किंग समेत कई तरह के इंतजाम किए गए हैं। फिलहाल इसके उद्घाटन का इंतजार है। कयास लगाए जा रहे हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इसका उद्घाटन कर सकते हैं। स्मार्ट सिटी के CGM संदीप कुमार ने कहा कि हम लोग मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से आग्रह करके इसका उद्घाटन करवाएंगे। साथ ही उन्होंने इसमें की गई व्यवस्थाओं के बारे में जानकारी दी। वहीं GL NMCH के अधीक्षक डॉक्टर असीम दास ने कहा कि इसका बनना अस्पताल के लिए उपलब्ध है। यहां कई जिलों से मरीज पहुंचते हैं, उनके परिजनों को कहीं ना कहीं परेशानी होती थी जिसका अब निदान होगा। हाँ देखिए, ये तो नाइट शेल्टर का बनना अस्पताल के बिल्कुल बगल में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है अस्पताल के लिए, क्योंकि ये अस्पताल जो है उत्तरी बिहार का एक बहुत बड़ा अस्पताल है, जहाँ पर कि गंगा के उस पार के भी 15-16 जिलों से मरीज आते हैं, इधर के भी मिला जुला के 20-22-23 जिलों से मरीज यहाँ आते हैं। तो वैसे सीरियस मरीज जो यहाँ भर्ती होते हैं तो उनके जो स्वजन है, परिजन है, उनको ठहरने के लिए कोई जगह नहीं होती है। तो उस हिसाब से ये शेल्टर हम जो है बहुत उपयोगी सिद्ध होगा और लोग वहाँ ठहर पाएंगे और शेल्टर होम की व्यवस्था की जाएगी किस ढंग से ये चले, ताकि उसका साफ सफाई और मेंटेनेंस जो है वो सब नियमित रूप से हो सके। कुल मिला के ये शेल्टर होम जो है जवाहरलाल मेडिकल कॉलेज अस्पताल के लिए एक बहुत बड़ा वरदान है। सर, नाइट शेल्टर होम बन के तैयार हो चुका है, कब तक इसे हैंड ओवर करना है और क्या क्या व्यवस्थाएँ हैं इसमें? एक्चुअली सरकार की प्राथमिकता थी कि जो भी लोग यहाँ आते हैं और बीमार जो रहते हैं उनका तो भर्ती हॉस्पिटल में हो जाता है, लेकिन उनके परिजनों को रहने की व्यवस्था नहीं थी, तो उसी को ध्यान में रखते हुए नाइट शेल्टर का विकास किया गया है, जो 3,000 square meter में फैला हुआ है। इसमें पार्किंग की भी पूर्ण व्यवस्था है, इसमें 25 गाड़ियाँ फोर व्हीलर और 75 जो है बाइक्स इस यहाँ पर आराम से लग सकता है। और इसके अंदर एक 2 डॉर्मेट्री का प्रोविज़न किया गया है फर्स्ट फ्लोर पर और 11 रूम की भी। हर दिन सस्ता सस्ता बाजार, किसी भी तरह के घरेलू किराना सामान के लिए अब बाजार जाने की जरूरत नहीं। राशन पानी मंगवा लें घर बैठे ऑनलाइन, 10% तक की छूट के साथ 20 किलोमीटर की परिधि में फ्री डिलीवरी। स्टोर पर करें खरीदारी, घर पर फ्री पहुंचाने की जिम्मेदारी हमारी। आज ही पधारें सस्ता बाजार फूड प्लाजा के समीप 0 Mile नवगछिया, या कॉल करें 7319666731। हर दिन सस्ता सस्ता बाजार। भागलपुर CS द्वारा गठित टीम पहुंची नवगछिया PHC की जांच। नवगछिया PHC में प्रभारी के विरुद्ध सोशल मीडिया में सामने आए आरोपों के मद्देनजर भागलपुर CS द्वारा गठित टीम द्वारा मामले की जांच की गई। टीम में जिला प्रतिरक्षण पदाधिकारी डॉ. मनोज कुमार चौधरी, ACMO डॉ. अंजना कुमारी, जिला यक्ष्मा पदाधिकारी डॉ. दीना नाथ, जिला कार्यक्रम प्रबंधक डॉ. फैजान आलम अशरफी, जिला लेखा प्रबंधक विकास कुमार शामिल थे। टीम के सदस्यों ने दोपहर 12 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक नवगछिया PHC में जांच की। जानकारी मिली है कि इस क्रम में प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी डॉ. वरुण PHC कर्मियों से भी पूछताछ की गई और विभिन्न अभिलेखों का भी
अवलोकन किया गया। मालूम हो कि मीडिया में RBSK योजना में भाड़े पर वाहन लाने की प्रक्रिया और कोरोना वैक्सीनेशन में उत्प्रेरक के रूप में सगे संबंधियों को लाभ पहुंचाने का आरोप PHC के प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी पर लगाया गया था। जबकि इसी क्रम में ये बात भी सामने आई थी कि PHC से परिवार नियोजन की अंतरा योजना से संबंधित जानकारी को भी लीक किया गया, जिससे कई महिलाओं की निजी जानकारी सार्वजनिक हो गई। ACMO डॉक्टर अंजना ने जांच के बाद मीडिया कर्मियों को जानकारी देते हुए कहा कि मीडिया में सामने आई सभी तरह के तथ्यों की जांच की गई, रिपोर्ट से संबंधित पदाधिकारी को अवगत कराया जाएगा। मौके पर PHC के प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर वरुण कुमार, स्वास्थ्य प्रबंधक ओम गुप्ता समेत अन्य भी मौजूद थे। देखा गया मैडम, अभी कुछ नहीं कहा जा सकता, अभी रिपोर्ट हम लोग तैयार करेंगे तब। किस तरह की जांच की गई, क्या क्या जांच किया गया? जो पेपर में निकला था उसके आधार पर जांच की गई। गाड़ी RBSK का था, इनका पिताजी का बताया जा रहा था। जो भी है वो हम लोग रिपोर्टिंग तैयार करेंगे, अभी बहुत लोगों का प्रमाण नहीं दिया गया, प्रमाण के बाद में जाँच में कुछ तो अभी तक ठीक है, बाद में ओके, बहुत देर हो। नवगछिया की धरती पर त्योहार और उत्सव पर सुंदरम की एक और प्रस्तुति, सुंदरम स्वीट्स। अब कीजिए सुंदरम स्वीट्स से मुंह मीठा। देसी शुद्ध घी से बने मिठाई, रसगुल्ला और एक से बढ़कर एक मिठाई और नमकीन के लिए जरूर पधारें। सुंदरम स्वीट्स सुंदरम फास्ट फूड के सामने, राजेंद्र कॉलोनी मोड़, स्टेशन चौक, नवगछिया। 12 अगस्त से आपकी सेवा में। खाने में चाहिए टेस्ट तो सुंदरम है बेस्ट। JDU शिक्षा प्रकोष्ठ के बिहार के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर अमरदीप संवाद यात्रा के दौरान नवगछिया पहुंचे। जनता दल यूनाइटेड शिक्षा प्रकोष्ठ के बिहार के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर अमरदीप संवाद यात्रा के दौरान नवगछिया पहुंचे। नारायणपुर के बलहा में आशा उपेंद्र कुशवाहा सेवा सदन में जदयू जिलाध्यक्ष वीरेंद्र कुमार सिंह कुशवाहा की अध्यक्षता और शिक्षा प्रकोष्ठ के निवर्तमान जिलाध्यक्ष अशोक कुमार सिंह के संचालन में कार्यक्रम का आयोजन हुआ। अपने संबोधन में डॉक्टर अमरदीप ने कहा कि शिक्षा का संबंध जाति, धर्म, उम्र और लिंग से नहीं। नीतीश कुमार ने समावेशी विचारधारा के साथ सभी वर्गों के विद्यार्थियों के लिए शिक्षा के क्षेत्र में अभूतपूर्व कार्य किया है। वर्तमान समय में अपने बजट में बिहार सरकार ने शिक्षा के लिए सर्वाधिक बजट पारित किया। नीतीश सरकार में विद्यालयों का जीर्णोद्धार, नए भवनों का निर्माण, शिक्षकों की बहाली, हर पंचायत में +2 स्कूल की व्यवस्था, नए ITI, पैरामेडिकल, पॉलिटेक्निक, इंजीनियरिंग, मेडिकल कॉलेज और स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी के माध्यम से बिहार शिक्षा के क्षेत्र में नई ऊंचाई की ओर अग्रसर है। बिहार सरकार के साइकिल, पोशाक, छात्रवृत्ति, मेधा छात्रवृत्ति और स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना ने पूरे देश में मिसाल कायम की। अंबेडकर, गांधी, JP लोहिया और कर्पूरी ठाकुर की समाजवादी विचारधारा वाले बिहार के एकमात्र नेता नीतीश कुमार है। किसी दल की नहीं, ये जनता की सरकार है, इसलिए हम सभी को अपने हिस्से का फर्ज अदा करना है। मौके पर मधेपुरा के वरिष्ठ जदयू नेता यादव उमेश, बीहपुर विधानसभा के राज्य परिषद सदस्य बुलंदी चौधरी, नवगछिया के मुख्य प्रवक्ता रवि कुमार, अति पिछड़ा प्रकोष्ठ के निवर्तमान जिला अध्यक्ष रंजीत मंडल, सुदामा बाबू, जिला महासचिव प्रिंस पटेल, नारायणपुर के प्रखंड अध्यक्ष अनिल पटेल, गौतम गोविंद, दयानंद पंडित, रिजवान अली, मुरारी प्रसाद सिंह, मनोज कुमार राय, मनीष नागर, अजय पासवान, मोहन कुमार सिंह, अरुण कुमार शर्मा, मोहन शर्मा, रमन कुमार, मिथिलेश कुमार, सदानंद सिंह, संतोष राम व अन्य मौजूद थे। में है, मैंने देखा मेरे छोटे भाई रवि कुमार जी ने वो बहुत सारी बातें कह दी जो शायद मैं कहता, और भी कई साथियों ने शिक्षा से जुड़ी हुई बहुत सारी बातें रखी हैं, उन बातों को मैं दोहराऊंगा नहीं। मैं चंद बातें कहना चाहता हूँ। इससे पूर्व पार्टी के 34 प्रकोष्ठ थे, अब प्रकोष्ठों की संख्या घटकर 12 हो गई है, और आदरणीय जिलाध्यक्ष जी को मालूम होगा कि इस बार शिष्ट। आइए नजर डालते हैं कुछ छोटी छोटी खबरों पर। साहित्यिक सांस्कृतिक शोध संस्था मुंबई के द्वारा मॉरिशस में राम का विषय के संदर्भ में महत्व पर कथा भजन व्याख्यान के माध्यम से प्रचार प्रसार हेतु मॉरिशस गए शिष्टमंडल में लोक गायक नारायणपुर प्रखंड के भ्रमरपुर निवासी आकाशवाणी कलाकार से भजन सम्राट डॉक्टर हिमांशु मोहन मिश्र उर्फ दीपक मिश्र ने मॉरिशस की हिंदी प्रचारिणी सभा में बताया कि राम का चरित्र विश्व की संपूर्ण सभ्यता के लिए अनुकरणीय है। साथ ही तुलसीदास का रामचरितमानस मानव जीवन के लिए सर्वोत्तम संविधान बताया और विश्व हिंदी सचिवालय मॉरिशस में भी वैश्विक स्तर पर रामकथा के महत्व पर मॉरिशस के कला एवं संस्कृति मंत्री अविनाश तिलक, भारत के उच्चायुक्त जनेश केन समेत अन्य कई उपस्थित थे। नवगछिया व्यवहार न्यायालय में आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत में मामले के निष्पादन के लिए 5 बेंच बनाई गई हैं। प्रथम बेंच पर अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश तृतीय अमिताभ चौधरी, पैनल अधिवक्ता अशोक कुमार झा होंगे। इस बेंच पर ADJ तृतीय व ADJ चतुर्थ न्यायालय के लंबित दुर्घटनावाद स्टेट बैंक के मामले निपटाए जाएंगे। बेंच नंबर 2 पर अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वितीय अखोरी अभिषेक सहाय, पैनल अधिवक्ता प्रवीण कुमार प्रभात होंगे। इस बेंच पर ADJ द्वितीय व ADJ प्रथम के लंबित दुर्घटना दावावाद, यूको बैंक के वाद निपटाए जाएंगे। बेंच नंबर 3 पर
ACJM प्रथम प्रमोद कुमार पांडे, पैनल अधिवक्ता रजनीकांत सिंह होंगे। इस बेंच पर ACJM प्रथम, द्वितीय, तृतीय और प्रथम श्रेणी न्यायालय के सुलहनीय वाद, BSNL के बाद, बिजली के बाद, दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक के बाद निपटाए जाएंगे। चतुर्थ बेंच पर अनुमंडल न्यायिक दंडाधिकारी कुमार पंकज, पैनल अधिवक्ता मनोज कुमार होंगे। इस बेंच पर अनुमंडल न्यायिक दंडाधिकारी के सुलहनीय वाद ग्राम कचहरी के चाद बैंक के ऋण वसूली के बाद निपटाए जाएंगे। प्रखंड क्षेत्र में DJ बजने पर पूरी तरह से रोक लग गई है। इसके लिए शुक्रवार को भवानीपुर ओपी परिसर में भवानीपुर ओपी अध्यक्ष रमेश कुमार साह ने DJ संचालक के साथ बैठक की। DJ संचालक से सख्त लहजे में कहा कि DJ बजाने के लिए कहीं से अनुमति नहीं मिलती है, ये पूरी तरह से अवैध है। DJ बजाने से मानव के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, ध्वनि प्रदूषण फैलता है जो पर्यावरण के लिए खतरनाक है। इसलिए यदि चोरी छुपे कोई DJ बजाते पकड़ा गया तो उस पर सीधी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। जिला परिषद नंदिनी सरकार में उच्च विद्यालय में अनियमितता को लेकर जिला पदाधिकारी से शिकायत की। जिला परिषद ने बताया कि नेहरू उच्च विद्यालय ढोलबज्जा, कदवा प्रताप नगर उच्च विद्यालय में अनियमितताएं हैं। वर्ग 9 एवं 11 में नामांकन के लिए 1300 रुपया लिया जा रहा है। पूर्व में भी छात्र छात्राओं ने नामांकन में अधिक रुपए लेने की शिकायत की थी। शिकायत करने के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं हुई। नवगछिया थाना क्षेत्र के मिल्की कौशाला में आपसी विवाद को लेकर हुई मारपीट में 5 व्यक्ति घायल हो गए। घायलों में एक पक्ष से नवगछिया थाने के मिल्की गौशाला निवासी पवन यादव, पवन यादव के पुत्र सत्यम कुमार, पवन यादव की मां कलावती देवी हैं। वहीं दूसरे पक्ष की ओर से मिल्की कौशाला निवासी महाराणा यादव व मौसम कुमार घायल हो गए। सभी घायलों को इलाज के लिए अनुमंडल अस्पताल नवगछिया में भर्ती करवाया गया है।